هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، ناظرین و سامعین کرام، سورۃ البقرہ کے متعلق گزارشات آپ سماعت فرما رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی تمہید اور اس میں جن مضامین کی طرف اشارات کیے گئے ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائے، اور اس کے بعد آیت نمبر 40 سے سلسلہ کلام بنی اسرائیل کو خطاب کے ساتھ متعلق ہے. بنی اسرائیل یہ وہ جماعت ہے انسانوں کی جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ نبیوں کی اولاد ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک زمانے میں انہیں تمام اقوام پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی. ان میں بہت سارے نبی آئے اور اللہ نے ان کو بادشاہت، حکومت اور ملک عطا فرمایا، اور بے شمار نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا. لیکن جو اللہ رب العزت نے منصب انہیں عطا فرمایا تھا کہ وہ انسانوں کی دین میں امامت اور پیشوائی کریں، خود دین کے اوپر عمل کر کے لوگوں تک اس دین کو پہنچانے والے بنیں، انہوں نے بحیثیت مجموعی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. بہت سارے لوگ ان میں سے اچھے بھی تھے، لیکن ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے دین کی نعمت کی قدر نہیں کی، اور دین پر عمل کر کے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جو اللہ رب العزت نے ان پر عائد فرمائی تھی. اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کی بجائے ان پر اللہ تعالیٰ کے سامنے وفا اور بندگی کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے ان نعمتوں کی ناقدری کی، اور بے وفائی اور ناشکری والا رویہ اختیار کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو یہ یہاں آباد تھے. تین قبیلے ان کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور یہ لوگ یمن سے آ کر یہاں یثرب میں آباد ہوئے تھے. اور یمن کے اندر ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی، اور بہت ساری ظلم اور ستم کی زندگی بسر کرنے کے بعد یہ لوگ یہاں آ کر بسے تھے، اس انتظار میں
कि ये वो सरज़मीन है जहाँ आखिरी नबी की बेसत होगी और आखिरी रसूल जब आएगा तो वो हिजरत करके यहाँ आएगा, यहाँ से फिर उसका दीन पूरी दुनिया में फैलेगा। तो ये यथरब की सरज़मीन में उस नबी के इंतज़ार में आकर आबाद हुए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये ज़िक्र फरमाया है सूरतुल बकरा के अंदर कि दूसरे काफ़रों के ऊपर वो फतह तलब किया करते थे ये कहकर कि अब तो हम लोग तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आखिरी आने वाला आएगा तो उसकी क़यादत में और उसके साथ मिलकर हम तुम पर ग़लबा हासिल करेंगे और तुमको ज़ेर करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के साथ हम दुनिया में सरबुलंद और सरफराज होंगे। तो इस गरज से वो यहाँ आकर आबाद हुए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात के अंदर आयत नंबर 40 से लेकर आगे दूर तक आयत नंबर 123 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को ख़िताब करके पहले तो उन्हें इस्लाम की दावत दी है और अपनी नेमतों को याद दिलाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सामने इस्लाम की दावत रखी है कि जिस नबी के इंतज़ार में तुम यहाँ आकर बसे थे वो आ गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान फरमाया और तुम्हें ये मौका फराहम किया कि अब इस नबी पे ईमान ला के इसके साथ ही बन के तुम जो तमन्ना और आरज़ू करते थे कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएँ, तुम्हें गलबा और तुम्हें फतह अता फरमाएँ और तुम्हें सरबुलंदी और सरफराजी के साथ नवाजें, तो अल्लाह ताला ने उसका मौका तुम्हें फराहम कर दिया है। इस मौके से फ़ायदा उठाओ, इस नबी के ऊपर ईमान ले आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को मुखातब करके ये फरमाया और बनी इसराइल, इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, इसका माना होता है अल्लाह का बंदा। तो हज़रत याकूब उनका नाम था क्योंकि वो हज़रत इसहाक के बाद पैदा हुए, क्योंकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत दी गई हज़रत इसहाक की और उनके बाद उनके बेटे हज़रत इब्राहीम के पोते याकूब की जो इसहाक के बाद आए, तो याकूब उनका नाम था कि वो इसहाक के बाद आने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी बशारत दी गई थी और लक़ब उनका था इसराइल, और इसराइल का माना होता है अल्लाह का बंदा, इसर का माना होता है बंदा और ईल जो है ये अल्लाह के लिए अलम के तौर पर अबरानी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला कलमा है। और बनी इसराइल ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को मुखातब करके फ़रमाया कि मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर अर्ज़ा फरमाई और जिन नेमतों के साथ मैंने तुम्हें नवाजा। सूरतुल जाथिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है वलकद आतैना बनी इसराइल किताब, हमने बनी इसराइल को किताब अता फरमाई, यानी दीन व शरीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अता फरमाया, वल हुक्म व नबुवा, हुकूमत और बादशाहत और नबुवत और रिसालत की नेमतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें नवाजा, व फ़द्दलनाहु अलल आलमीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर के तमाम इंसानों पर उन्हें फजीलत और बरतरी अता फरमाई कि दीन की इमामत और पेशवाई का मनसब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अता फरमाया। तो यहाँ उसी चीज़ की तरफ इशारा फरमाया कि मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर अर्ज़ा फरमाई थी, और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनको अल्लाह की नेमतें याद दिलाई थी। वइज काला मूसा लिकौमी ही या कौम इज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअला फीकुम अंबिया, ए मेरी कौम, बनी इसराइल उनकी कौम थी, ए मेरी कौम
उस्कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमतें याद करो। इस जाला फीकुम अम्बिया, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर नबी भेजे। वजालकुम मुलूका, और अल्लाह ने तुम्हें सल्तनत और बादशाहत अता फरमाई, तुम्हें बादशाहत अता फरमाई। व आताकुम मा लम युति अहदम मिन अल आलमीन, और तुम्हें वो कुछ अता फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहान में से किसी और को अता नहीं फरमाया था। तो अल्लाह ताला ने इन पर बड़ी नेमतें अर्ज़ा फरमाई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो नेमतें याद दिलाकर उनसे कहा है, औफू बियाहदी ऊफी बियाहदीकुम, और मेरे अहद को पूरा करो और मैं जो तुम्हारे साथ अहद किया है उसको पूरा करो। पहल तुम्हें करनी होगी, औफू बियाहदी, मेरे साथ किया हुआ अहद पूरा करो। ये अहद क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माईदा के अंदर इसका जिक्र फरमाया है, वलकद अखज़ना मीसाका बनी इसराइल, फरमाया हमने बनी इसराइल से अहद लिया। वबअसना मिनहुम इथने अशरा नकीबा, 12 कबीले थे इनके, और 12 कबीलों के सरदार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमाए, और उन सरदारों के ज़रिए इनसे, कबीले के सरदारों के ज़रिए इनसे अहद लिया गया कि ये अल्लाह का अहद है, इसे तुमने पूरा करना है। वो क्या था? वबअसना मिनहुम इथने अशरा नकीबा वक़ाल अल्लाह इन्नी माअकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लैन अक़मतुमुस सलाता, अगर तुम नमाज कायम करोगे, व आतैतुमुस ज़कता, ज़कात अदा करोगे, व आमनतुम बिरुसुली, और मेरे रसूलों पर ईमान लाओगे, व अज़्ज़रतुमूहुम, और उनकी ताईद, नुसरत, हिमायत करोगे, उनका साथ दोगे, व अक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, और जब अल्लाह के लिए खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो खुश दिली से अल्लाह के लिए खर्च करोगे, अल्लाह को कर्ज दोगे। तो लौ कफ़िरन्ना अन्कुम सय्यातिकुम, तो मेरा वादा ये है कि मैं तुम्हारे गुनाह और तुम्हारी तकसीरें मुआफ़ कर दूँगा। वला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, और तुम्हें मैं उस जन्नत में दाखिल करूँगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं। और फिर इसके बाद जो कुफर करेगा और इस अहद से इन्हिराफ़ करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह बनी इसराइल से अहद लिया था, और वही अहद इन्हें याद दिलाया जो फरमाया, औफू बियाहदी ऊफी बियाहदीकुम व इय्याय फरहबून, और मुझसे ही डरो। रहबत का माना होता है किसी की आज़मत और किसी की बड़ाई की वजह से उससे खौफ खाना और उसके उससे डर के रहना कि वो नाराज़ ना हो जाए। तो अल्लाह के नबी, उनका भी ये तरीका है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वयदउनना रगबन व रहबा, वो हमारी इबादत करते हैं और हमसे दुआएं करते हैं, रगबन, हमारी रहमत की रगबत रखते हुए और हमारी अजमत से डरते और दबते हुए। तो रहबत का माना होता है डरना किसी की अजमत की वजह से और उसकी उसके जलाल व जबरूत की वजह से उससे खौफ खाना। वैया या फरहबून, मुझसे ही डरो, और जो मैंने उतारा है, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिकन लिमा माअकुम, जो मैंने उतारा है इस पैगंबर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास मौजूद है, जो तौरात उनके पास थी, कुरान उसकी तस्दीक करने वाला है। जो कुछ तौरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालीमात दी थी, कुरान मजीद ने उन तालीमात की तस्दीक की है। वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही, और तुम इस तौरात के मानने वाले हो और कुरान उसकी तस्दीक करने वाला है, तो तुम्हें तो आगे बढ़कर कुरान पर ईमान लाना चाहिए और कुरान को कबूल करना चाहिए, और तुम्हें तो ये जेब नहीं देता और तुम्हारे तो ये लायक नहीं है कि तुम इस कुरान के पहले इनकार करने वाले बन जाओ। वला तकूनू अव्वला काफिरिन बिही, वला तश्तरू बिआयाती थमनन कलीला, थोड़ी कीमत के बदले मेरी आयतों को फरोख्त ना करो, यानी दुनिया के मफादात के लिए और दुनिया की अदना अगराज के लिए तुम अल्लाह की आयतों को जुटला दो और कुरान मजीद से इन एराज करो, तो ये अल्लाह की आयतों के बदले थोड़ी कीमत लेने वाली बात है। कुरान मजीद पर अमल करोगे और कुरान मजीद पर ईमान ला के इसकी पैरवी करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें दुनिया भी देगा, तुम्हें आखरत भी देगा। और तुम अगर इस कुरान को जुटलाओगे और इसकी तकजीब करोगे
तो दुनिया तो जितनी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन आखरत से मारूम हो जाओगे। और फिर दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत के मुस्तहिक ठहरोगे। वइय्या यफ़त्तकून, और मेरा ही तकवा अख्तियार करो। तकवा का माना क्या होता है? इंसान इस बात की कोशिश करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी से बचे, और उसकी नाराज़गी से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी से बचे। जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको पूरा करे, उसको बजा लाए, और जिस चीज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोक दिया है उससे बाज रहे। तकवा इन दोनों चीज़ों का नाम है, फ़ेलुल मामूरी व तर्कुल महज़ूर। जो हुक्म है उसे पूरा करना, और जिससे रोक दिया है उससे बाज रहना। व इय्या फ़त्तकून, मेरे गज़ब और मेरे अज़ाब से बचने के लिए मेरी फरमा बरदारी करो, मेरे अहकाम बजा लाओ, और जिन चीज़ों से मैंने रोक दिया है उनसे बाज रहो। वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल, हक और बातिल को गड़बड़ न करो, बातिल को हक के साथ मत मिलाओ। व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून, और हक को छुपाओ नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की निशानियाँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौरात में मौजूद था, लेकिन ये लोग उसका इजहार नहीं करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो हक जो तुम्हारे पास है उसे छुपाओ नहीं, बल्कि उसको ज़ाहिर करो, और तुम जानते हो कि तुम हक को छुपा रहे हो। वाकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व रकऊ मअर राकईन, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी मुसलमानों के साथ शामिल हो जाओ, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अतामुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अन्फुसकुम व अंतुम तत्लून अलकिताब अफला ताकिलून। ये यहूद जो यहाँ मदीना मुनव्वरा में यसरब के अंदर आबाद थे, जब खजरज के और औस के लोग इनके पास जाकर पूछते कि इन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आप क्या जानते हैं, तो इनको कह देते कि ये सच्चे नबी और सच्चे रसूल हैं, और इनका तज़किरा पहली किताबों में मौजूद है, लेकिन ये हमारे नबी नहीं हैं, ये तुम्हारे नबी हैं, ये अरबों के नबी हैं, ये बनी इसराइल के नबी नहीं हैं। उनको कहते कि तुम इन पर ईमान ले आओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अतामुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अन्फुसकुम, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, ईमान लाने की तलकीन करते हो, औस और खजरज के और अरब के लोगों को, और ख़ुद इनकार करते हो मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये कहते हो कि ये हमारे लिए मबऊस नहीं हुए हैं, हालांकि तुम्हारी तौरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये लिखा हुआ है, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने भी इसकी बशारत दी थी। तो तौरात के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा मौजूद है, उनकी निशानियाँ मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर में एक नबी और रसूल को भेजेंगे जिसके मुंह में अपना कलाम डालेंगे, और वो फारान की चोटियों से उठेगा, और उसके बारे में ये है कि वो हिजरत करके इस सरजमीन की तरफ आएगा, इसीलिए तो यहाँ आकर ये आबाद हुए थे। तो ये जानते थे ये सारी चीज़ें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वतनसौना अन्फुसकुम, और तुम अपने आप को भुला देते हो, फरामोश कर देते हो। वअंतुम ततलून अलकिताब, और तुम अपनी किताब पढ़ते हो, और उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा भी मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की उसमें तलकीन भी मौजूद है, और मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी बशारत दी थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही अहद इन्हें याद दिलाया है, अफला ताकिलून, तुम अक़ल से काम नहीं लेते हो। वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीईन, और मदद लो सबर और नमाज के ज़रिए, मदद लो सबर और नमाज के ज़रिए। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीईन, और ये नमाज भारी चीज़ है मगर खुशू करने वालों पर। खुशू का माना होता है अल्लाह के सामने आजजी, मस्कनत और फरोतनी अख्तियार करना। जो अल्लाह के सामने आजजी और न्याजमंदी अख्तियार करने वाला है उस पर नमाज भारी नहीं होती, और सब्र के साथ और नमाज के साथ दीन को कबूल करने के मामले में तुम मदद हासिल करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें तौफीक अता फरमाएगा। तो ये दावत दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को, इस्लाम लाने की, ईमान कबूल करने की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अख्तियार करने की। और इसके बाद फिर अगली आयात में अल्लाह ताला ने वो नेमतें ज़िक्र फरमाईं
सबसे पहले तो ये नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाई कि मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में अल्लाह ताला ने इनको ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात दी और मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें आज़ादी दिलाकर लेके आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए समंदर में से रास्ता निकाल दिया। फिरौन जो इन पर ज़ुल्म करता था और तरह तरह के मसाइब के अंदर इनको मुबतला करता था, यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, बदतरीन किस्म के अज़ाब में उसमें इनको मुबतला किया हुआ था, इनके बेटों को ज़बह करता था और इनकी औरतों को ज़िंदा रखता था और बहुत बड़ी आजमाइश में थे ये लोग, अल्लाह ताला ने उससे निजात अता फरमाई मूसा अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमा कर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समंदर से रास्ता बना दिया इनके लिए और इनकी निगाहों के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन और उसकी अफवाज को और उसकी सिपाह को गर्क आब कर दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने याद दिलाई। फिर दूसरी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद दिलाई, फरमाया जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से बसलामती निकल कर सहराए सीना में आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी रहनुमाई के लिए और इनको दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए हिदायत और तालीमात देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और उन्हें किताब अता फरमाई। तौरात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, वो 30 दिन की मुलाकात थी लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पहले चले गए तो फिर वो पूरा 40 दिन की मुलाकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तौरात अता फरमाई और वो तौरात लेकर आए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए गए हुए थे तो उसके पीछे इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, उसकी परस्तश करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए गए हुए थे और तुमने उनके पीछे बछड़े को माबूद बनाकर उसकी परस्तश शुरू कर दी और अपनी जान पर तुमने जुल्म किया, तो हमने फिर तुम्हें मुआफ़ कर दिया। सुम्मा अफ़ौना अनकुम, हमने तुम्हें मुआफ़ कर दिया, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। वइज़ आतैना मूसा अल-किताब वल-फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, ये बनी इसराइल की तारीख का अजीब वाक़िया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर से इनको बसलामती लेकर किनारे पे पहुँचे, अल्लाह ने रास्ता बना दिया तो वहाँ इनका गुज़र हुआ कुछ लोगों के पास से जो बुतों की परस्तश करते थे, तो कहने लगे इजअलना इलाहन कमा लहुम आलिहा, मूसा हमें भी ऐसे ही मासूस और नज़र आने वाले खुदा जो है ना वो बना के दे दे, हम उनकी पूजा किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह इनके ऊपर करम फरमाया और इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या मुतालबा किया, और जब वो तौरात लेने के लिए गए तो बछड़े को माबूद बना लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर भी इनके ऊपर करम किया कि अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। वो तौबा कबूल किस तरह फरमाई उसका आगे ज़िक्र फरमाया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म किया है इस शिरक का इर्तिकाब करके कि बछड़े को माबूद बना दिया। फ़तूबू इला बारीकुम, अब अल्लाह का हुक्म ये है कि उसके हजूर तौबा करो। फ़क्तुलू अनफुसकुम, जिन्होंने ये शिरक का जुर्म किया है उनको सजा दो, उनको सजा दो। वो लोग जिनके कबीले के लोगों ने शिरक किया है, उसी कबीले में से वो लोग जो तौहीद पर कायम रहे हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया, वो हाथों में तलवार लें और इन लोगों को कत्ल कर दें, इन्हें कत्ल कर दें। दीन से इन्होंने इर्तिदाद का जुर्म किया है और शिरक का इर्तिकाब करके वो गुनाह किया है जो बहुत ही बदतरीन गुनाह है, और इसकी सज़ा ये है कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए। फ़तूबू इला बारीकुम फ़क्तुलू अनफुसकुम, तो तौरात में ये आज भी मौजूद है कि 3000 लोगों को कत्ल किया गया जिन्होंने ये शिरक का जुर्म किया था। इन्नहु वत्तवाबुर रहीम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। जब किसी मुजरम को सजा दी जाती है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं और उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं। इन्नहु वत्तवाबुर रहीम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजीम वस्फ है कि वो बहुत ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान परवरदिगार है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तारीख़ का एक और वाक़िया उसकी तरफ इशारा फरमाया।
फरमाया वाइज कुल तुम या मूसा लनूमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फखज़तकुम सायकतु व अंतुम तंजुरून। ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहने लगे कि आप तौरात लेकर आए हैं और आप कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात दी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात हो, हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करें। और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे लनूमिन लका, हमें तो इस बात पर एतबार नहीं आता कि आप अल्लाह के पास से ये तौरात लेके आए हैं। लनूमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम उस वक़्त तक आप पर एतमाद और यकीन नहीं करेंगे जब तक अपनी आँखों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना देख लें। हत्ता नरल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुम सायक़तु व अंतुम तंज़ुरून, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सज़ा मिली कि एक बिजली का कड़का इनके ऊपर ऐसा आया जिसकी वजह से उन पर मौत तारी हो गई। सायका ऐसी चंगाड़ को कहते हैं और इस तरह की कड़क को कहते हैं जिससे इंसान की मौत वाकिया हो जाए। फ़ख़ज़तकुम सायक़तु, तो मौत ने तुम्हें आ लिया। वअंतुम तंज़ुरून, और तुम देख रहे थे। सुम्मा बअथनाकुम मिन बादी मौतिकुम, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मौत के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाया। लअल्लकुम तशकुरून, कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत पर उसका शुक्र बजा लाओ। वज़ल्लना अलैकुमुल ग़माम वअन्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, बाज़ लोग कहते हैं कि ये मौत नहीं थी, बेहोशी थी, कि वो बेहोश हो गए थे और बाद में फिर दोबारा होश में आ गए। लेकिन कुरान मजीद तो यही कहता है कि सुम्मा बअथनाकुम मिन बादी मौतिकुम, कि तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें ज़िंदा किया। तो यही बात सही है कि उन पर मौत तारी हो गई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा फिर उनको ज़िंदगी अता फरमाई। तो दूसरी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ज़िक्र फरमाई जो उन पर अर्ज़ा फरमाई थी कि सहराए सीना के अंदर जब वो ज़िंदगी गुजार रहे थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर बादलों का साया कर दिया और उनके खाने के लिए आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक मीठी चीज़ नाजिल होती थी जो जैसे ओले होते हैं और पाले के दाने होते हैं, इस तरह ज़मीन के ऊपर पड़ी होती थी और वो उसे इकट्ठा करके मीठे की तरह इस्तेमाल करते थे। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर ये इनाम फरमाया कि उनकी खुराक के लिए परिंदे भेज दिए और वो उनका बड़ी आसानी के साथ शिकार करके उन परिंदों का गोश्त खाते थे। तो परिंदों का गोश्त और ये मन जो शहद की शक्ल में आसमान से उतरता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए खाने का अहतमाम फरमा दिया, गोश्त और मीठा। फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, फरमाया ये जो उम्दा और पाकिज़ा रिज़क हमने तुम्हें दिया है ये खाओ, इस्तेमाल करो, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत की भी कदर नहीं की। जैसा कि आगे फरमाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे कि ये रोज़ का एक तरह का ही खाना मीठा और गोश्त, ये हम जो है ना इससे उकता गए हैं, अब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दरख्वास्त करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए जो ज़मीन की पैदावार है, सब्ज़ियाँ हैं और ककड़ी और खीरे और इस तरह की चीज़ें हैं, इसी तरह गल्ला और अनाज है, दालें हैं और लहसुन और प्याज, इस तरह की चीज़ें हैं, इनका खाना हमें चाहिए, ये रोज़ का गोश्त और रोज़ का मीठा जो है ना ये हमें पसंद नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम्हें क्या हो गया, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, के तुम अदना और घटिया चीज़ को हासिल करना चाहते हो और बेहतर चीज़ को रद्द करना चाहते हो, उससे दस्तबरदार होकर चाहते हो कि तुम्हें घटिया और अदना चीज़ मिल जाए, ये अगर तुमने लेना है तो जाओ किसी शहर में चले जाओ और वहाँ ये सब कुछ मुयस्सर है। तुम्हें मिस्र में भी ये मुयस्सर था जब तुम वहाँ थे, और अभी भी किसी शहर में चले जाओ तो वहाँ जाकर तुम्हें ये सब कुछ मुयस्सर होगा। फ़ैन्ना लकुम मा सअलतुम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, ये इन चीज़ों के पीछे पड़े तो इसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िल्लत और पस्ती और मस्कनत, कमज़ोरी और बुज़दिली, ये अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुसल्लत कर दी। वबाऊ बिग़ज़ब मिन अल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब के साथ पलटे, यानी उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब टूटा। ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह वयक्तुलून अन्नबियीन बिग़ैरिल हक़ ज़ालिक बिमा असौ वकानू यअतदून, और ये इस वजह से उन पर अल्लाह का गज़ब टूटा और उन पर ज़िल्लत मुसल्लत की गई कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे
अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल करते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे और अल्लाह की हदूद से तजावुज़ करते थे। तो ये उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तारीख के वाक़यात बयान फरमाए हैं, अपनी नेमतों का भी ज़िक्र फरमाया और उन नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री करने की वजह से फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको सज़ा मिलती रही अल्लाह ताला ने उसका भी ज़िक्र फरमाया। असल बात यहाँ ये है कि बनी इसराइल ये समझते थे कि हम बहुत आला किस्म का उनसुर हैं और बड़ी ऊंची नस्ल के लोग हैं, नबियों की औलाद हैं और अल्लाह ताला हमारे ऊपर बड़ा मेहरबान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये गलतफहमी दूर फरमाई कि ठीक है तुम नबियों की औलाद हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर बड़ी नेमतें फरमाई और तुम्हें बड़े एजाजात के साथ नवाजा, लेकिन जब तुमने अल्लाह की नेमत की नाकदरी की और अल्लाह की नाफरमानी की तो फिर अल्लाह ने तुम्हें सज़ा भी दी। तो असल चीज़ जो है वो ईमान और अमल है, नसब और खून, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हदीस में आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बत्ता भी अमलहु लम युसर भी नसबहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हारा अमल अच्छा नहीं होगा, अमल तुम्हारा बुरा होगा तो उस बुरे अमल के नतायज जो है वो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि ठीक है अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इनाम भी फरमाया, लेकिन जब तुमने अल्लाह की नाशुक्री और नाफरमानी की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें सज़ाएँ भी दी। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तारीख का एक और वाकया भी जिक्र फरमाया, वो ये उन्हें ये कहा गया था कि जिस बस्ती को आप फतह करेंगे तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करते हुए अल्लाह के सामने झुकते हुए और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हुए दाखिल होना, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस हुक्म का मजाक उड़ाया, बजाय इसके कि ये शुक्रगुजार होकर झुकते हुए वहाँ दाखिल होते ये कहने लगे हित्तातुन, अल्लाह ताला ने तो कहा था कि गुनाहों की मुआफ़ी का तकाजा करना और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करना कि अल्लाह हमारे गुनाह झाड़ दे, तो वो कहने लगे कि हिंततुन, ए अल्लाह तू हमें गंदम अता फरमा, हित्तातुन को उन्होंने हिंततुन बना दिया। तो दीन को मजाक बनाना और अल्लाह के हुक्मों का इस्तेहजा करना ये तुम्हारी तारीख है, ये तुम्हारा करतूत है, इस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फबद्दल्लज़ीना ज़लमु क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, इन ज़ालिमों ने जो बात अल्लाह ताला ने उनसे कही थी उसको बदल डाला और उसको बदल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात का मजाक बना लिया। फ़अंज़लनाल्लज़ीना ज़लमु रिज़्ज़म मिनस्समाई बिमा कानू यफ़सुकून, तो उनकी नाफरमानी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अज़ाब दे दिया, अल्लाह की तरफ से तबाही और उनके ऊपर हलाकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ गया उनके ऊपर। और इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम सहराए सीना में थे तो उस वक्त के एक और वाकया की तरफ भी अल्लाह ने इशारा फरमाया है, वो ये कि वहाँ इनको पानी की ज़रूरत थी तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए तो पानी नहीं है, हम प्यास के साथ निडाल हो रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जब उन्होंने खुदा के हुज़ूर ये दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी कौम के पानी का इंतज़ाम फरमा दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जो लाठी है तुम्हारे पास, ये बड़ी मुबारक लाठी थी मूसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात इस लाठी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ाहिर फरमाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत अता फरमाई तो फरमाया इसको डाल दो और अल्लाह ताला ने उसको सांप बना दिया, और जब फिरौन के दरबार में जादूगरों ने जादू का मुजाहरा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसको डालो और ये इनके सांपों को जो रस्सियों के सांप हैं इनको निगल जाएगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़रिब बिअस्वाकल हजर, अपनी लाठी के साथ समंदर के ऊपर ज़रब लगाओ, अल्लाह ताला समंदर में रास्ते बना देगा। और यही लाठी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आप जिस पत्थर पर लगाएंगे अल्लाह ताला उसके अंदर से चश्मे जारी कर देंगे। इज़रिब बिअस्वाकल हजर फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, आप इसके साथ पत्थर को ज़रब लगाएं तो वहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए 12 कबीले थे और अलग अलग अल्लाह ताला ने 12 चश्मे उनके लिए जारी कर दिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह का रिज़्क खाओ पियो और ज़मीन के अंदर फसाद ना मचाओ। और
इसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हकीकत बयान फरमाई है और वो ये कि कोई मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इन्नल्लज़ीन आमनू, कोई यहूद के जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या वो ईसाइयों की जमात से ताल्लुक़ रखने वाला हो, या वो साबी हो, और साबी ये वो लोग थे जो कहते थे कि हम एक अल्लाह की पूजा करने वाले हैं लेकिन किसी मुतय्यन दीन के पैरोकार नहीं थे और नमाज का अहतमाम करते थे, उनको साबी कहा जाता है। मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ही कानून है, एक ही ज़ाब्ता है कि वो जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखरत के दिन पर, और अल्लाह पर ईमान लाने में अल्लाह के नबियों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, ये सब इसके ज़िमन में आ जाता है। अल्लाह पर ईमान लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़रूरी करार दिया उन सब पर ईमान लाया जाए। तो अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखरत पर ईमान लाए वह अमिल सालिहन और नेक अमल करे, फलहुम अजरहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल का अजर देगा और उन्हें कोई खौफ नहीं होगा और उन्हें कोई गम नहीं होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह कानून और ज़ाब्ता बयान फरमा के ये ऐलान फरमाया है कि बनी इसराइल के लिए यहूदी और ईसाई हों या साबी हों या अहले ईमान मुसलमान हों, सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही ज़ाब्ता है कि वहाँ बात ईमान और अमल साले के साथ बनेगी। जिसके अंदर ईमान और अमल साले होगा, और ईमान के अंदर नबियों पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, और हमें यही तलकीन की गई है कि पहले जितने नबी हुए हैं सब पर ईमान लाएँ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाएँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबियाए वल मुरसलीन हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी यहूदी और ईसाई जो मेरे बारे में सुनता है और मेरे ऊपर ईमान नहीं लाता तो वो जहन्नम में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह ज़ाब्ता यहाँ बयान फरमाया कि ईमान और अमल साले के ऊपर फ़ैसला होगा नजात का, और नजात ना यहूदियत के अंदर है, ना नसरानियत के अंदर है, और ना ही इस बात के अंदर है कि इंसान अपने आप को मुसलमानों की तरफ शामिल करें या किसी और गिरोह की तरफ शामिल करें। किसी गिरोह की शमूलियत और उसकी निस्बत के अंदर नजात नहीं है, नजात जो है वो ईमान और अमल साले के अंदर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये हकीकत बयान फरमाई है और आगे मज़ीद भी तफसील इसकी इंशाअल्लाह लज़ीज़ आएगी। आज इसी पर इक्तफा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ईमान और अमल साले वाला रास्ता अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन के ऊपर इस्तकामत बख्शे, और कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए रहबर और हमारे लिए हादी और पेशवा और अल्लाह की बारगाह में सफारशी और हुज्जत व बुरहान बनाए। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान अज़ीम वनफ़ाना बिल कुरान अज़ीम, अल्लाहुम्मा ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان وأخلص نيتي دوما لرب واحد